और टाइगर टेरिटरी पर दोस्तों कुछ लोग पैदल घूमते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं रोड किनारे दिखाई दिया हमें स्पॉटेड डियर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। अभी हम दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के चुकुम विलेज में रिवर साइड जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और अभी दोस्तों हम चलते हैं सुंदरखाल विलेज। रास्ते में जो भी वाइल्ड लाइफ की एक्टिविटी मिलेगी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, तो आप बने रहे हमारे साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, और सामने रिसोर्ट कबीला रिसोर्ट है, बहुत प्यारा रिसोर्ट है आप देख सकते हैं, और सुंदरखाल में हो रही है ज़ोरदार बारिश। दोस्तों निकल चुके हैं हम चुकुम विलेज से, ये देखिए आप चुकुम विलेज का बैक साइड है और टाइगर ट्रेटी है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर रात के समय टाइगर और लेपर्ड दस्तक जरूर देता है, आप जंगल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। सामने काम चल रहा है कबीला रिजोर्ट का। दोस्तों बाघ प्रभावित क्षेत्र है, कहीं से भी टाइगर और लेपर्ड दस्तक दे सकता है यहाँ पर। दोस्तों सामने से गाड़ी आ रही है आप देख सकते हैं। दोस्तों पानी की बोट रखी है उसके ऊपर, जिससे रिवर राफ्टिंग होती है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सामने, क्योंकि तो पानी ज़्यादा है रिवर साइड में, अब राफ्टिंग करने का एंजॉय अलग ही है। दोस्तों आप देख सकते हैं रोड किनारे दिखाई दिया हमें स्पॉटेड डियर, 102 संख्या में है आप देख सकते हैं, एक ही फ्रेम में दो स्पॉटेड डियर। और ये कोर टाइगर टेरिटरी है दोस्तों, कहीं से भी लेपर्ड और टाइगर इन पर अटैक कर सकता है, और इनमें दोस्तों एक फीमेल है और दो मेल है। देखिए आप देख सकते हैं सामने वो जा रहे हैं अंदर की तरफ, आप देख पा रहे होंगे बड़े बड़े सींग वाला स्पॉटेड डियर। लाजवाब शॉट है दोस्तों, बहुत बड़े सींग है स्पॉटेड डियर के। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, कोई और वाइल्ड लाइफ के मोमेंट होते हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं। जंगली जंगल है दोस्तों, बीच में है रास्ता, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे झाड़ियाँ बड़ी होने के कारण वाइल्ड लाइफ बहुत कम दिखाई दे रही है। जो वाइल्ड लाइफ हमें देख सकती है, लेकिन हम वाइल्ड लाइफ को नहीं देख सकते, और फिर भी हम पूरा फोकस करेंगे वाइल्ड लाइफ पर। पानी पीना आता है दोस्तों नीचे की साइड में टाइगर और लेपर्ड, दोस्तों यहाँ पर एलिफेंट के भी काफ़ी मूवमेंट दिखाई देते हैं। दोस्तों ये जीरो पॉइंट है जैसे कि आप देख पा रहे हो, दोस्तों हम आ चुके हैं जीरो पॉइंट पर, अभी फिलहाल यहाँ पर कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। चलते हैं आगे की तरफ,
हल्की हल्की बूंदें पड़ना स्टार्ट हो गई है दोस्तों, ये बारिश का मौसम है, आप देख सकते हैं सामने। दोस्तों जंगल का अनुभव ये होता है कि कहीं आपको बारिश दिखाई देती है, कहीं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अचानक से मौसम कभी भी बन सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में और पहाड़ पर हो रही है दोस्तों जोरदार बारिश, क्योंकि अभी इस रफ्ते में पानी बहुत कम था, अब काफ़ी फ्लो के साथ यहाँ पर पानी है। यह काम चल रहा है दोस्तों पुल का, काफ़ी तेज़ी के साथ, बहुत जल्दी ये पुल आने जाने वाले के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कॉर्बेट म्यूज़ियम, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सामने, और यहाँ हो रही है दोस्तों हल्की हल्की बारिश, तो ज़ोर से कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए हम इस पेड़ के नीचे, ये देखिए आप, इसकी टाइमिंग है दोस्तों जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम की 10 से 5। अब यहाँ पर संडे क्लोज रहता है, आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। देख पा रहा हूँ मैं कोट टाइगर टेरिटरी में दोस्तों इस समय है, क्योंकि दोस्तों बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश तेज़ पड़ सकती है, क्योंकि पिछली बार हम फंस चुके थे बड़े पर्वत नाले पर, जिससे हमें बहुत डर लगता है दोस्तों, क्योंकि कम से कम 5-6 घंटे हम वहाँ पर फंस रहे और अचानक से दोस्तों पानी आ गया काफ़ी फ्लो के साथ, और कम से कम 100-150 गाड़ियाँ वहाँ पर फंसी हुई थी और काफ़ी यात्री परेशान थे। इसलिए दोस्तों निकल चुके हैं हम यहाँ से, करते हैं बड़ा पर्वत नाला पार। और देखिए आप, कहीं बारिश है तो कहीं धूप है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये नज़ारा आपको देखने मिलेगा दोस्तों पहाड़ों में। और टाइगर टेरिटरी पर दोस्तों कुछ लोग पैदल घूमते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासे हो चुकी है दोस्तों बड़ी बड़ी, कहीं से भी छुपकर दस्तक दे सकता है टाइगर और लेपर्ड, आप देख सकते हैं। समय वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब है क्योंकि बारिश पड़ रही है हल्की हल्की, और बारिश के मौसम में दोस्तों वाइल्ड लाइफ जंगल में रहना पसंद करती है। दोस्तों अचानक से बहुत तेज़ बारिश हो गई है, अभी हम निकलना होगा यहाँ से, क्योंकि कभी भी तेज़ बारिश हो सकती है, और यहीं पर हम फंसे थे दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 मिनट का खेल था, 2 मिनट में इतना बारिश आ चुका था यहाँ से, और यहाँ पर हम फंस चुके थे दोस्तों बहुत ज़्यादा। और कोट टाइगर टेरिटरी का यहाँ पर बोर्ड लगा है, पहले हम इस नालों को पार कर लें फिर सुकून की सांस लेते हैं। अभी भी दोस्तों काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पानी आ रहा है, क्योंकि पहाड़ों में हो रही है कंटिन्यू बारिश। बारिश भी अजीब खेल दिखा रही है, कभी भी बारिश पड़ती है कभी रुक जाती है, और हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं सुंदरखल विलेज, क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर जाम लग गया और यहां फंस गए तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है पहुँचने वाले हैं। फाइनली पहुंच गए हम सुंदरखल विलेज, बारिश की दिख रहा आप देख रहे हो चश्मे के ऊपर आपको लग रहा होगा कि काफ़ी तेज़ बारिश पड़ी है पीछे, अचानक से दोस्तों कहीं भी बारिश हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। रोजाना दोस्तों हमारी वीडियो अपलोड होने का समय है 7 बजे का, उसको देखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।